नमस्कार, रात के ठीक 9 बज चुके हैं। इंडिया डिबेट के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि अगर नहीं जागे तो सब कुछ WHO का हो जाएगा, हो नहीं जाएगा, होने जा रहा है। और अगर आपने कोशिश नहीं की, आप ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम आज क्या कह रहे हैं, हल्की हल्की जानकारी तो हमारे दर्शकों को हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो नए हमारे सब्सक्राइबर बन रहे हैं यूट्यूब पे, जो हमें फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, बिटचिट पे, उन सभी दर्शकों के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पॉलिटिकल वॉर जो हमारे देश में छिड़ा हुआ है, बीजेपी के बीच में, कांग्रेस के बीच में, अन्य विपक्षी पार्टियों के मिलन के बीच में, अभी जो कांग्रेस पार्टी के सांसद की सदस्यता गई है राहुल गांधी की, उस पर बहुत सारे विपक्षी अब एक हो रहे हैं और वो चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। ये सब तो चलता रहेगा, एक डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी भी है और कि विपक्ष मजबूत दिखे, दिखना भी चाहिए। और जो कुछ भी राहुल गांधी के साथ हुआ है उसे ठीक तो नहीं कहा जा सकता है। अब इसका जवाब तो जनता देगी चुनाव में, विपक्ष कह रही है ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता देगी चुनाव में। और इसीलिए जनता के लिए ये सारी पार्टियां आपस में इकट्ठा हो रही हैं और ये बताएगी कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने एक कानून का हवाला दे करके आज राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म कर दिया। अब ये बात है कि जो वर्डिक्ट था उस वर्डिक्ट पर एक प्रकार से अब संभावी था उनकी सदस्यता जाना, वो एक अलग विषय है, लेकिन इसमें इतनी खामियां हैं इस निर्णय में, जिन खामियों को अगर जनता जानेगी सच में तो जनता निश्चित रूप से सरकार से नाराज होगी और नाराजगी के कारण हैं, नाराजगी के स्पष्ट कारण हैं। ये मेरी प्रतिक्रिया है, लेकिन आपको इन सब में उलझना नहीं है। हमारा काम लगातार, हमें मालूम है बहुत सारे मुद्दों को हम उठा सकते हैं, लेकिन हम उन मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं उठा रहे हैं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि आप किसी भी दिन आपकी निगाह से ये बात जाने ना पाए कि दुनिया में हो क्या रहा है, कब किसकी आड़ में आपकी संप्रभुता खतरे में पड़ने वाली है, कब किसकी आड़ में आपका देश आपका नहीं रहने वाला है। और ये मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, ये मैं आपके सामने सत्य का उद्घाटन कर रहा हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इंपीरियलिस्ट पावर आपके ऊपर कब्जा करने की पूरी प्लानिंग कर लिया है और उस इंपीरियल पावर में ग्लोबलिस्टों का एक समूह है जो नए तरीके से साम्राज्यवाद को पूरी दुनिया पर थोप रहा है। अब तक तो वो वॉर के जरिए थोपता था, व्यापार के जरिए थोपता था, लेकिन अब उन्होंने दो महत्वपूर्ण मुद्दों को पैरामीटर बनाया है, एक तो स्वास्थ्य और दूसरा पर्यावरण, और ये दोनों बहुत बड़ा रैकेट है और उस रैकेट में कंप्लीट संलिप्तता जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है। और उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जिसे आप एक वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, जिसका हवाला दे दे करके हमारे यहां पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात कहा है, मैं उनकी बात को मानूं या आपकी बात को मानूं, आप कौन हैं? वो तो एक बड़ी संस्था है, 70-75 साल पुरानी संस्था है जिसमें साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं एक के बाद एक, और उस संस्था की बात को मैं नहीं मानूं, आपको नहीं मानना है। ये बात मैं आज शिद्दत से कहूंगा क्योंकि आज जो आपको बताएंगे उसमें नहीं मानने के लिए हमारे पास भी मजबूत एक्सपर्ट हैं, दमदार एक्सपर्ट हैं और पूरे फैक्ट एंड फिगर के साथ करेंगे। तो हम स्वागत कर लेते हैं UHO के चेयरमैन डॉक्टर अमिताभ बनर्जी का और मेंबर UHO की डॉक्टर माया बलेचा का। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का आज के डिबेट में। लेकिन इसके पहले कि आप दोनों से बातचीत शुरू करें, मैं अपने दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि दुनिया भर में WHO के बारे में किस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में एक सेनेटर ने पार्लियामेंट में कुछ बयान दिया है और वो बयान ट्विटर पे तो ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, फेसबुक पे भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ट्विटर पे मिल रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि ट्विटर के लिए मैं एलन मस्क को कम से कम इस काम के लिए तो बधाई देता हूं। आज मैं जरा
उनकी एक बताता हूँ जो WHO के बारे में क्या कह रहे हैं, फिर आप ना कहिएगा कि हम जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। जरा सुनाइए। Government continued the Morrison government's campaign to sign away Australian sovereignty to the United Nations World Health Organization, the WHO. Despite the attempt failing, WHO's power grab is ongoing. WHO is not independent. Their owners are corporate donors who contribute most of the WHO budget. WHO's current sugar daddy is Bill Gates, who has made billions out of his investment in the same vaccines that WHO promotes. Gates bought the WHO and they now recommend his products. It is that simple.